वेलकम अगेन टू वर्ल्ड इन 3 मिनट्स। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी सीनिक डेस्टिनेशन जहां जाने के लिए आपको वीजा की चिंता बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। आज की हमारी वीडियो आपको नेपाल में बेपरवाह घूमने में मदद करेगी। इंडिया से नेपाल तक का फ्लाइंग टाइम 2 से 3 घंटे का है। नेपाल का समय इंडिया से 15 मिनट आगे है। नेपाल जाने के लिए इंडियन टूरिस्ट को सिर्फ अपना पासपोर्ट साथ ले जाना कंपल्सरी है। नेपाल घूमने के आइडियल मंथ्स हैं अक्टूबर से दिसंबर, जो ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग के लिए बेस्ट टाइम है। आप जनवरी से मार्च में नेपाल की स्प्रिंग सीजन का मजा ले सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं नेपाल में काम आने वाली कुछ इम्पोर्टेंट ट्रैवलिंग टिप्स। 2015 के भूकंप के बाद नेपाल की काफी सारी इमारतें अंडर रिपेयर है, तो आप इस बात को ध्यान में रखें और इमारतों को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें। अगर आप नेपाली सिम कार्ड खरीदना चाहें तो एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साथ में ले जाएं। नेपाल में हम आपको ड्राइव करना सजेस्ट नहीं करेंगे। टैक्सी लेना एक अच्छा आइडिया है। अकेले ट्रैक कभी ना करें। एक गाइड हायर करें या तो दोस्तों के साथ ट्रैक करें। ऐसे ही और ट्रैवलिंग टिप्स आप पाएंगे अंत में हमारी फैक्ट शीट में। नेपाल में टूरिस्ट ज्यादातर इन सिटीज में घूमना पसंद करते हैं, काठमांडू और पोखरा। चलिए जानते हैं इन सिटीज में देखने लायक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस। काठमांडू में आप देखें थामेल टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट, बौद्धनाथ स्तूपा, पाटन, गार्डन ऑफ ड्रीम्स, भक्तापुर, काठमांडू दरबार स्क्वायर, शंभुनाथ टेम्पल और ऑफ कोर्स ट्रैकिंग करें एवरेस्ट और लामटंग क्षेत्र में। पोखरा के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं फेवा लेक, डेविस फॉल्स, महिंद्रा केव्स, ट्रैकिंग कम्युनिटी में मशहूर अन्नपूर्णा बेस कैंप, आस्तम इको विलेज जो कि पोखरा से 1 घंटा की दूरी पर है, सारंगोट जहां से अन्नपूर्णा रेंजेस के भव्य नजारे आपको दिखाई देंगे, पोखरा शांति स्तूपा अर्थात पीस टेम्पल, बैगनास लेक और अराही टेम्पल। नेपाल की फेमस डेलिकेसीज है दाल भात, छटमारी, चोइला, मोमोज, थुक्पा नूडल सूप, सेल रोटी, युमारी, जूजू ढाऊ और यप चीज। नेपाल से आप यह सारी चीजें सोवेनियर के तौर पर ला सकते हैं। ठंगा पेंटिंग्स, नेपाली इंस्टेंट स्टिक्स, सिंगिंग बाउल्स, भैरव मास्क, राइस पेपर से बनी डायरीज, नेपाली प्रेयर फ्लैग्स और मिनिएचर प्रेयर व्हील्स। चलिए अब आपको बताते हैं नेपाल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नेपाल में दुनिया की एक इकलौती गॉडेस रहती हैं, जिसे कुमारी कहते हैं। ये गॉडेस कुमारी चौक में हर रोज लोगों को संबोधित करती हैं। दुनिया की 10 सबसे बड़े पर्वत में से 8 यहाँ नेपाल में है। नेपाल का कोई स्वतंत्र दिवस नहीं है, क्योंकि कभी भी किसी भी देश ने नेपाल पर शासन नहीं किया है। नेपाल का कैलेंडर 67 इयर्स आगे चलता है। इसे विक्रम संवत कैलेंडर कहते हैं। मई 2018 में नेपाल में साल 2075 चल रहा है। इस फैक्ट शीट को आप जरूर पढ़ें और इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे सेव करना न भूलें।